लक्ष्मी क्ली लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक नाभि से नाक तक और अपनी दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में इस स्थान पे हमारी आत्मा का वास है यह आत्मा एक अज्ञात शक्ति है जो उस परमात्मा का अंश है जिसने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया इस आत्मा ने इस शरीर और मन का निर्माण करा शरीर और मन का निर्माण क्यों करा किस लक्ष्य से करा उस लक्ष्य को हम लक्ष्मी कहते हैं और जब जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तब तब हमारी धन संपत्ति बढ़ती है ये लक्ष्य हमें कितने काल में पूरा करना है कितनी देर तक ये शरीर मन और आत्मा एक साथ रहेगी उस काल की अधिष्ठात्री काली और किस भाषा में यह आत्मा इस शरीर और मन के साथ संवाद करती है बात करती है जिस वैचारिक भाषा में ये हमसे बात करती है उस वैचारिक भाषा की अधिष्ठात्री मां सरस्वती इस प्रकार उस आत्मा की लक्ष्मी काली सरस्वती ये तीन अभिव्यक्ति हैं ये सिर्फ इस संबंध से ही पता चल रही है और अगर लक्ष्मी है तो कोई इनका भी कारण होगा इस कारण से महालक्ष्मी कोई काली है तो कोई इनका भी कारण होगा इस कारण से महाकाली कोई सरस्वती है तो कोई उनका भी कारण होगा महा सरस्वती और ये जो अज्ञात आत्मा है कोई इसका भी कारण होगा जिसको हम परमात्मा मानते हैं ये आत्मा कैसी दिखती है तब तो इसको देखेंगे महसूस करेंगे तो गर्भ धारण से पहले ये एक स्पर्म के जैसी दिखती है फिर यह एक एग में जाकर विलीन होती है फिर एक शरीर का निर्माण होता है उस स्पर्म की शेप एक छोटे से नाग के जैसी होती है जो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और अपने इर्द गिर्द एक शरीर बनाकर रखता है उस स्पर्म की शेप को उस नाग की शेप में विलीन करेंगे तो हमारी टेल बोन से हमारे सर तक संपूर्ण नाग के जैसी आकृति बनेगी और इस नाग में जो सबसे ऊपर मस्तक के भी ऊपर जो स्थान है फन का सबसे ऊपर का स्थान उस स्थान पे उसका सहस्त्रार चक्र है उस सहस्त्रार चक्र को उस मूलाधार चक्र तक एक सीधी लाइन में महसूस करेंगे तो ये नौ चक्रों में हमें यह संपूर्ण प्रक्रिया महसूस होगी ये नौ चक्र सृष्टि स्थिति और संहार के रूप में हमारे भीतर नौ चक्रों के तौर पे अभिव्यक्ति है और ये नौ चक्र हमारी पूरी प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार से मन आत्मा काल दिशा आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि ऐसे करके ये संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है पर इस संपूर्ण शरीर के निर्माण में जो भी ऊर्जा लगती है जिसको हम सेल का रिप्रोडक्शन कहते हैं हमारे एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं इस प्रकार इस शरीर का जो निर्माण हो रहा है उन सारे शरीर के सेल के लिए जितनी भी ऊर्जा है वो हमारी ये आत्मा ही देती है इस आत्मा की ऊर्जा अनंत है आत्मा को अपने भीतर महसूस करेंगे अपने भीतर के उस तो नाग में उसकी दोनों आंखों में अपनी दोनों आंखों को विलीन करेंगे उसके सहस्त्रार चक्र में अपने सहस्त्रार चक्र को विलीन करेंगे उसकी टेल बोन में अपनी टेल बोन को विलीन करेंगे इस प्रकार उस नाग को अपने भीतर महसूस करेंगे पर नाग का स्वाभाविक कार्य तो विष है विष को उत्पन्न करना है पर हमारे विष को कोई अज्ञात शक्ति शिव में परिवर्तित कर देती है और हमारा शरीर शुक्राणु कीटाणु और विचारों की उत्पत्ति करता है जिन विचारों से हम ईश्वर के संबंध को जानते हैं उन विचारों को ही अपने शरीर के भीतर जागृत करेंगे और इन नौ चक्रों को तो लक्ष्मी बीज से जागृत करेंगे इसके रहस्यों को समझने के लिए प्रार्थना करेंगे ये अपने रहस्य हम पे प्रकट करे इसकी प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी तोम श्री कमली चामुंडा एवरियंचे समस्त प्रकट गुप्त गुप्तगुप्ततर संप्रदायकूलो तीन निगर्भ रहस्य ती परापरातिरहिनीभ्यो नमः लक्ष्मी तोम श्री कमली चामुंडा एवरियंचे समस्त प्रकट गुप्त गुप्तगुप्तर संप्रदायकु तीन निगर्भ रहस्यातिरहस्य ती रहस्य योगिनीभ्यो नमः लक्ष्मी कमली चामुंडा मुंडा ब्रियचे समस्त प्रकट गुप्तगुप्त रहस्य परापराति रहस्य योगनिभ्यो नमः तो लक्ष्मी शम तो लक्ष्मी अपने सहस्त्रार्थ चक्र को जागृत करेंगे तो लक्ष्मी शम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लक्ष्मी शहद वाला शाह तो लक्ष्मी शम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शम तो लक्ष्मी अपने मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे तो लक्ष्मी लम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लम तो लक्ष्मी लम तो लक्ष्मी करेंगे तो लक्ष्मी रम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रम तो लक्ष्मी अपने मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे तो वम तो लक्ष्मी तो वम तो लक्ष्मी तो वम तो लक्ष्मी तो अपने अनाहत चक्र को जागृत करेंगे लक्ष्मी तो लक्ष्मी यम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यम तो लक्ष्मी तो 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 अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करेंगे तो लक्ष्मी हम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हम तो लक्ष्मी अपने सहस्त्रार चक्र बंद को जागृत करेंगे तो लक्ष्मी मम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो तो भम तो लक्ष्मी तो बम तो लक्ष्मी तो फम तो लक्ष्मी तो पम तो लक्ष्मी तो लक्ष्म्री नम तो लक्ष्मी तो धम तो लक्ष्मी तो दम तो लक्ष्मी तो थम तो लक्ष्मी तो तम तो अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे तो तम तो लक्ष्मी तो तम तो, लक्ष्मरी तो तो लक्ष्मी तम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ढं तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ढम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी डम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ठम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी टम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लक्ष्मी तो लक्ष्मी झम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी जम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी छम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी चम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी अंग तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी घम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी गम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी खम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी अह तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी अम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रौ तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ओ तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ऐ तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ए तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लिह तो लक्ष्मी तो लिरी तो लक्ष्मी तो तोलक्ष्मी तोलक्ष्मी तो लक्ष्मी तो उ तोलक्ष्मी तो लक्ष्मी तो तोलक्ष्मी तो लक्ष्मी इ तो लक्ष्मी तो इ तो लक्ष्मी तो इ तो तोलक्ष्मी तो आ तो तोलक्ष्मी तो अ तो तोलक्ष्मी तो स तो अपने संपूर्ण शरीर को इसके तीन मुख्य अवयव है संपूर्ण शरीर को उस कुंडलिनी को महसूस करेंगे और उसको सा से पूरे शरीर को सा से अभिव्यक्त करेंगे तो लक्ष्मी सम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी सम तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी सम तो लक्ष्मी अब अपने शरीर के भीतर अलग अलग बीज मंत्रों से इन शरीर चक्र और अंदर की क्रियाओं को जागृत करेंगे तो लक्ष्मी वती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी सती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यति तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हती तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तुई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लवी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कुईं तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी सुई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मई मवी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रवि तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यवी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हवी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तिली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी किली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शिली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मिली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हिली तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वकी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लकी तो लक्ष्मी

το ρασίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί γιασίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί χασίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί λαμίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί βαμίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί λαμίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί καμίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί ταμίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί σαμίν, το λαξιμρί, το λαξιμρί το 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 तो लक्ष्मी हमी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी त्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी व्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लिरी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी क्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी श्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मृ तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ह्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी हई तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी वही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी कही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी शही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी मही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी रही तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी यही तो लक्ष्मी तो तोश्री तो तोलक्ष्मी तो लक्ष्मी लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी गर्दुम तो लक्ष्मी तो कमली तो तोलक्ष्मी तो लक्ष्मी तोमश्री तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लाक्ष्मी, तो, लाक्ष्म्री, तो लाक्ष्म्री, अब अपने शरीर में उन समस्त शक्तियों को जागृत करेंगे जो हमारे शरीर को सूक्ष्म से स्थूल बनाती है बीज से वृक्ष बनाती है लक्ष्मी रण्यवय लक्ष्मी हिरण्यवर्णि लक्ष्मी हिरण्यवर्णां हरणिं त्वं शिलरीं शुवण रजतक्षजाम त्वं हिलरीं चंद्राम हिरण्मयम् लक्ष्मीं त्वं किलरीं जातवे दो मम आवह लक्ष्मी हिरण्यवर्ण हरणी िली शुवणर हिल्रीम चंद्रिरण्यमयी लक्ष्मी तमाम किलो आवह ताम आव जातवेदो शिल्री लक्ष्मी मनपगामील यशा हिरण्यम विंदेयम गाश्र पुषाण अश्वूर्वामरथ मद्या शिल्री हस्तिनाद प्रमोदनीम हिल्री श्रिय देवी मुफुए तम किल शिर्मादेवी जुष्तां कांशोस्म हिरण्यम प्राकारा शिल्रीम आद्र ज्वलतीृप्ताम तर्पयतीिल्री पद्म स्थितालो भुए श्रिय चंद्राम प्रभाषा यशसा ज्वलि शिल्रीम श्रिय लोके देवुषा भी पद्मीशरण महम प्रपद्ये किल अलक्ष्मी मे नश्यताम ताम वृणे आदिवर्णे तपसोधि जाते शिल्री वनस्पति स्त वृक्षोत बिलवा हिल्रीम तस् फला तपसात लक्ष्मी मयाअराया बाह्य अलक्ष्म उपाय देशशखा िल्रीम कीर्ति मणिनाश ल्रीम प्रादुर्भूतअस्म राष्ट्रेस्म किलिमृद्धि दधा क्षुत्शा मलाम ज्येष्ठा ऊं शिल्रीम अलक्ष्मी अस्मिन अस्मिन नाश्याम ल अभूतिम समृद्धि चं किलिम शर्वा निर्णु मे गृह गंधद्वारं दुराधर्शाम शिल्रीम नितपुष्ठाषणीं तम हिल्रीम ईश्वरीम सर्वोत्तम नाम पम किल्रीम तामी हो मनसा काम माकुतिम तम चिल्रीम वाचाशत्त्य मशीमही तम हिल्रीम पशुनाम रूप मनसे तम किल्रीम मैश्री शैताम यशा कर्दमें इन प्रजापूता तम चिल्रीम कहे कई संभव कर दम तम हिल रीम श्रीयम वाशाय में कुले तम किल रीम मातरम पदमाल निम आपा से जंतु स्निग्धानी तम शिल चिलकित वश में गृह तम हिल रीम नीचा देवी मात्रम तम किल्रीम रीम प्रियम वाशाय में कुले आर्द आर्द राम पुष्टिम तम शिल्रीम रीम पिंगलाम पदमाल निम तम हिल रीम चंद्राम हिरण्यमयीम तम किल रीम आर्द्रम यश्की यीम षिलीम शुवर्ण हेम मालिनीं तम हिल्रीम सूर्या हिरण्यमयी लक्ष्मी लि जातवेदो मा जातवेदों शिल्रीम लक्ष्मी मनपगामिनीम हिरण्यम प्रभूत गावो ल दासशोस्वान् विंदेयम पुरषान शुची प्रयो भूत्वा शिल्रीम जुहिया दाजय मन वह तम हिल्री शुक्त पंच दशर्चम चम किल कामा शततम जप अब अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करेंगे जो प्रत्येक स्थूल चीज को सूक्ष्म में परिवर्तित करती है जो बीजों की उत्पत्ति करती है उस उत्पत्ति करने वाले को जो वृक्ष को बीज में परिवर्तित करती है उस शक्ति को पुरुष सूक्ष से जागृत करेंगे क्षणरी शस्त्र शीर्षा पुरुषा तम शिलीम शस्त्राक्ष सहस्त्र पाद तम हिलीम श भूमिठ विश्व तो वृत्वा तम किलीम अत्यतिष्ट दशांगुलम पुरुष एवेदम सर्व तम शिलीम यद भूतम यच भाव्यम तम हिलीम शेषानो तम किलीम यदन्य नातिरोहती एतावान से महिमा तम शिलीम तथो जयांश पुरुषा तम हिलीम पादोश विश्वाभूता तम किलीम त्रिपाद्यामृतम दिवी त्रिपाद ऊर्धु उदयत पुरुषत्वम शिलरीम पादोषेहा भवत् पुनातो मिलरीम ततो विश्वम विक्रमतातोम किलरीम शाश नाशने अभि तस्मा दुराड जायत हविषात्वम शिलरीम विराजो अभी पुरुषातो मिलरीम से जातो अतिरिच्छतात्वम किलरीम पश्चात मतो पुरा यत पुरुषेन हविषात्वम शिलरीम देवा यज्ञ मतन वतातोम हिलरीम वसंतो श्यासी राज्यतोम किलरीम ग्रीष्मे इदम तम यज्ञ वहर्षि प्रोक्षन िल्रीम पुरुषम जातमग्रता हिल्रीम तेन देवा देवायजनता किल शाद्याषिश्च तस्मा ज्ञात सर्वता शिल्रीम संभत्ज हिल्रीम पशुताक्रे वायव्य ल नारण्य ग्रामीयाश्च तस्मा ज्ञात सर्वता शिल्री ऋचा श्याजिवल छन्दा छिठ जगिरे तस्मा किलिम जुष्टस्माद जायत तस्मादस्वा जायता तम छिलीम ये के चो बया दता तम हिलीम गावो हजग्गिरे तस्मा तम जाता जावया यदुषम व्यदू तम छिलीम कतिदा वे कल्पयन तम हिलीम मुखम किम से किम बाहु तम किलीम काउरूपादाउचिते ब्राह्मण से मुखमाशीद तम तो छिलीम तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत चंद्रमा मंशो जाता शिल्री सूर्यो जायता दींद्रश्न किलिम प्राणवायुजाता नाभ्याशीदावि ठ शीर्षण संवर्तताल पदभ्या भूमिर्दिशा श्रोत्रा किलि तथा लोका लोका कल्पयन सप्ताशन परदय स्त्री शिलरीम सप्त श तो मिल्रीम देवा यद्यक्यम तनवा नाम तम कल्रीम अब अबद अबदनन पुरुषम पशुम यज्ञे यज्ञमय जंत देवा तम शिल्रीम तान्ये धर्मानी प्रथमान्य आशन तो मिल्रीम तेना कम महिमाना आशनचत्त तम कल्रीम यत्र पूर्वे साध्या संति देवा लक्ष्मी कृष्ण लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी 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 अहम ब्रह्म धाम ब्रह्म परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम पदम लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी